हाँ, एक 27 साल का लड़का है, वो हिंगनघाट एरिया में एक गांव है वहाँ पे रहता था। उसका फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था, और फरवरी में एक्सीडेंट होने के बाद उसको जो हेड इंजरी हुई उसकी ट्रीटमेंट भी हुई होगी, और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको अभी एक कुछ दिन पहले वो प्राइवेट में दिखा है, वहाँ पे शायद एडमिट भी था, और वहाँ पे कोविड के टेस्ट किए उन्होंने, और कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण हमारे शासकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे वो 11 तारीख की रात में यानी 12 के सुबह 12:50 पर भर्ती हुआ, और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू थी, और आज सुबह 7 बजे दूसरे जो पेशेंट के रिलेटिव कोविड पेशेंट के रिलेटिव है उनके साथ उनके पीछे पीछे वो चलते गया, और बाद में शायद उनकी एक कोई एक रूम है किराए से लिए वो चिंद भवन में, वहाँ पे मिला है, हमारे जवान भी वहाँ पे गए और वो उनको वहाँ पे मिला है। क्या कहेंगे आप, इस तरह से वो गया तो इसमें किसका दोष मानते हैं आप? नहीं, वो यहाँ पे एडमिट था तो उसकी मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं थी ऐसा डॉक्टर का कहना था, तो उसके हिसाब से वो पेशेंट के रिलेटिव और सबको पता था, पहले भी बता चुके थे, तो ये रिलेटिव को भी बगैर बताए वो यहाँ से निकल गया, तो उसकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं उसके कारण गया, उसको अभी समझा के उसको यहाँ लाने वाले। और उसके संपर्क में अभी कितने लोग आए हैं, कैसे ट्रेसिंग करेंगे, क्या कैसे? वो कोई पेशेंट के रिलेटिव के साथ उसके पीछे पीछे यहाँ से गया, इसका मतलब संबंध में तो ज़्यादा लोग आए नहीं, और वहाँ से सीधा रूम में गया तो संबंध में ज़्यादा लोग आए नहीं ऐसा लगता है, लेकिन हिस्ट्री वाइज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका भी ट्रीटमेंट और उनका भी जांच किया जाएगा।